सर्दियां बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा भी बेहद जहरीली हो गई है। ऐसे में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। ये जहरीली हवा बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, हर किसी के लिए खतरनाक है। आपके लिए भी खतरनाक ही है और सबसे जरूरी है इस खतरनाक हवा से बचना। आप कई तरह की गंभीर समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको इस जहरीली हवा से बचना होगा और जहरीली हवा से कैसे बचना है ये हम आपको बताएंगे, इसलिए उससे भी ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को देखना। साथियों, दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली बन चुकी है। वायु प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि AQI का लेवल 500 पार कर चुका है और खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। ऐसे में सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि आपको एयर पोल्यूशन से किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयर पोल्यूशन के कारण हवा में हानिकारक कण जैसे 2.5 PM पार्टिकुलेट केमिकल और गैस हमारे शरीर में प्रवेश कर अलग अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। दरअसल एयर पोल्यूशन फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी कि COPD जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही आपको दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। एयर पोल्यूशन दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकता है। ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल से जुड़ी अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है और सबसे हैरत और खतरनाक वाली बात यह है कि इससे आपको कैंसर तक हो सकता है। लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, एयर पोल्यूशन के नुकसान यहीं तक नहीं है, इससे आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। एयर पोल्यूशन स्किन को भी प्रभावित कर सकता है। इससे स्किन में जलन, खुजली और एलर्जी हो सकती है। एयर पोल्यूशन से होने वाले अगले नुकसान की बात करें तो इससे आपको आंखों की समस्या भी हो सकती है। एयर पोल्यूशन आंखों में जलन, खुजली, रेडनेस, ड्राइनेस और आंसू आना जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। साथ ही इससे बच्चों का विकास भी रुक जाता है। एयर पोल्यूशन बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है। दरअसल ये उनके लंग्स के विकास को रोक सकता है और उनकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है। और एयर पोल्यूशन से सबसे ज्यादा समस्या है प्रेग्नेंट महिलाओं को। प्रेग्नेंट महिलाओं में वायु प्रदूषण का प्रभाव और भी गंभीर हो सकता है। इससे समय से पहले बच्चे का जन्म, कम वजन का बच्चा होना और शिशु मृत्यु दर बढ़ सकती है। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपको एयर पोल्यूशन से बचना है और इससे बचाव कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलने से पहले N95 मास्क का इस्तेमाल करें। अपने घर की हवा को शुद्ध रखें। घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और खिड़कियाँ बंद रखें। जब बाहर प्रदूषण का लेवल ज़्यादा हो, खासकर सुबह और शाम के समय, तो हो सके तो बाहर जाने से बचें। कोशिश करें कि आप घर के अंदर ही रहें। ज़रूरत ना पड़ने पर बाहर निकलने से बचें। अपने घर के अंदर स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे लगाएं। ये प्रदूषण को कम करते हैं और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं। साथ ही घर के अंदर अगरबत्ती, मोमबत्ती आदि ना जलाएं क्योंकि इनमें मौजूद वोलाटाइल तत्व हवा में जाकर प्रदूषण का कारण बनते हैं। साथियों, अगर आपके घर में खिड़की, दरवाजों पर पर्दे लगे हुए हैं तो पर्दों की वैक्यूम क्लीनर से सफाई करें। इससे उनमें जमा धूल, मिट्टी और प्रदूषण साफ होंगे। और आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको स्मोकिंग से बचना है। स्मोकिंग एयर पोल्यूशन से होने वाले दुष्प्रभावों को और भी बढ़ा देता है, इसलिए बिल्कुल भी स्मोकिंग ना करें। घर से निकलने से पहले जहां जाना है वह उस जगह का AQI चेक करें और अगर लेवल खतरनाक है तो वहां जाने से बचें। और इस जहरीली हवा में बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए कोशिश करें कि उन्हें घर से बाहर ना जाने दें और उनका खास ख्याल रखें। दोस्तों, जहरीली हवा से बचना हर किसी के लिए ज़रूरी है। ऐसे में अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। धन्यवाद।